चौड़ी हमारा का मेरी वजह से आना मना आप हमारा गाना नहीं आ रहा मुझे इतनी जरूरी है मुझे अपने घर जाना है कैसी फीलिंग है बहुत डिफरेंट है यार बहुत इमोशनल जो प्री ब्राइड रहने के लिए शादी होने वाली क्या कहना चाहेंगे वो ये समझ सकती है और कोई भी समझ सकता है या जिनकी हो गई वो समझ सकती है हाँ या जिनकी होने वाली है वो समझ सकती है कोई नहीं समझ सकता अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, लशपश होंगे, मज़े में होंगे। दिसंबर 2022 का ये लास्ट एक व्लॉग था कराची सीरीज़ का, तो आई थॉट कि मैं ये अपलोड कर देती हूँ। ये है लकी वन मॉल कराची, जहाँ पे विंटर फेस्टिवल और विंटर सेलिब्रेट हो रहा था। मुझे नहीं पता कराची में विंटर आता कब है। खैर एनीवेज बढ़ते हैं व्लॉग की जानिब। आए हैं शॉपिंग करने के बाद, मेरा गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है, बट फिर भी मैंने मॉकटेल मंगवा लिया है और उसके बाद मुझे ड्रिंक तो अच्छी लग रही है, वो अनम की है, तो मैं अनम की ड्रिंक ले लूँगी। साफ सी बात है, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट आइस, देन आई सेड लेस आइस, लेकिन भाई ने उतने ही डबल डाल के दिए। उन्होंने कहा बाजी आपने ऑर्डर अगर रॉन्ग किया है तो आप प्रॉपरली अपना गला और ख़राब करें, क्या ज़रूरत है आपको बाहर ड्रिंक्स पीने की। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं इसके एक दो सिप लूँगी बाद में। केयर इज माय रेस्क्यू, नहीं आ रहा। यार हालत बहुत ख़राब हुई हुई आज, पता नहीं क्लिप जाएगा भी या नहीं जाएगा, बट मैंने कहा शूट कर ली। अच्छा अभी हम घर आ चुके हैं और अनम मेरे बारे में कुछ लिख रही है, वो आप लोगों को यहाँ पे पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जनाब ये दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा, यहाँ पे मैंने शॉपिंग भी करनी थी, कुछ प्यार पैक जिसका सामान लेना था, फिर मुझे अनम के साथ डिनर पे जाना था, और उसके बाद डिनर के बाद मुझे एक माइंग भी अटेंड करना था। मैंने सब कैसे मैनेज किया ये व्लॉग देखेंगे आप इस व्लॉग में। तुम जी क्या हाल है, कैसे आप। बाहर निकलते निकलते मुझे याद आया कि ये तो व्लॉग मुझे शूट करना ही चाहिए, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ उस बंदी के साथ डोंगरिया, ये बंदी जिससे दिल लगाई थी, उस सुबह की मेरी फ्लाइट है, तो मुझे मार देना था अगर उसके घर में डोंगरिया आना जाती है। तो डिसाइड हो चुका है, गाड़ी भी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद मेरे कपड़े हैं इसके बीच में डिनर का जो टेंट में मुझे जाना है माइंग। अब चेंज हम काम करेंगे, एक चैलेंज है। अब मैं आधी शादी की आदमी हूँ, शादी के लिए आधी हूँ डिनर के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग करनी थी। हाँ हाँ कौन सी वाली बात है। I'm thinking कि wanted to say something about business. अच्छा व्लॉग के अलावा, तो व्लॉग के लिए हम बातें कर रहे हैं। मसला ये कि बहुत भूख लगी हुई है, डिस्टेंस के यहाँ से 45 मिनट्स के आने का, 45 मिनट्स का 9 बजे मुझे माइक पहुँचना था, इस हिसाब से रास्ते में आने का और रास्ते में जाने का ही 9:30 बज गए हैं, बीच में हमने खाना भी खाना अरेंज किया। कोई बात नहीं, मेहनत जब लेट आए लोग तो खैर चले जाएंगे 10 बजे, वैसे टाइम 7 से 9 था। एनीवेज अल्लाह हाफिज़। करीब अब जाके देखते हैं क्या सीन है। ये बिल्कुल नहीं हुआ हुआ, ये रिजर्व्ड है ऑलरेडी। हाँ मेरा फोकस पूरा मेन्यू पे है। I don't have to go, you have to go somewhere. Please don't. So भाई तुम खाओ बर्गर, मैं तो देसी कुछ खाऊंगी, मैं बर्गर शर्गर वाला बच्चा नहीं हूँ। किसी ने चाहा ना हो किसी को तुझे मैं चाहूंगी। सर आ चुका है जो कि हम से, और इस बंदी ने मुझे पूछ के दिमाग खराब कर दिया कि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, इसकी रेसिपी बता दे, ये होता क्या है। हालांकि मैंने भी सेकेंड टाइम अभी ट्राई किया, मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में ही खाया था। उन्होंने भी इतना नहीं सोचा होगा, कोई इतनी क्यूरियोसिटी से। हाँ और जितना इस बंदी ने सोच के मुझसे पूछा है, लेकिन मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता, गूगल कर सकती है ये बंदी अगर करना चाहे एफर्ट। हाँ मुझसे पूछेगी तो इससे बेहतर ये कि आप लोग कमेंट्स करें और हम उसका कुछ बता दें कि कैसे बनता है, क्या इन्ग्रीडियंट्स है, कहाँ से ईजाद हुआ, क्यों ईजाद हुआ, इतनी क्या मजबूरी थी। हाँ इन्जॉय, लेकिन अच्छा है रिव्यू। 10 out of 8 और बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है, मस्ट ट्राई। बस लेकिन उसको गेम समझ नहीं आ रही कि इसमें है क्या मेन, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, सब मिक्स ब्लेंड हुआ। भाई मैंने बुंदी के साथ रील बन रही है, बहुत भूख लगी हुई है, मांगियों पे पहुंच रहे हैं, हमने हम्स खा खा के सारे कुछ। हाँ और सिर्फ 1 घंटा है मेरे पास, मतलब 1 घंटा रास्ते में लगेगा,
अभी पता नहीं खाना कब आएगा, खाना आएगा तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी खाएंगे, बाकी पैक कर पाएंगे और हम निकल जाएंगे। और अभी मुझे लगा हमारा खाना आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन प्रैंक हमें ट्रे दिखा के भाई उधर ले, कितना टाइम है, इन्होंने कहा था 25 मिनट्स है और अभी पता नहीं कितना टाइम हुआ है। हमारा खाना नहीं आ रहा, मुझे इतनी जरूरी है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है और मुझे भूख लगी हुई है बहुत शदीद। वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड। कोई बात नहीं, आ चुका भी, आ चुका भी, आ चुका। मेरे रेस्टोरेंट वाला तो ना अम्मा की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, जब बनेगा तभी मिलेगा, था उससे पहले कोई तवक्को नहीं रखे। फूड इज हियर फाइनली, दिस इज दाल मखनी, दिस इज चोलो कबाब विद प्लेन राइस एंड फ्राइज, दिस इज बीफ बर्गर। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मैं बिल्कुल मेहंदी या बारात अटेंड नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद, बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। पूरा मस्कारा वगैरह फैल गया, हाँ इमोशनल हो गए, रो रो के। हाँ कैसी फीलिंग है? बहुत डिफरेंट है यार, बहुत इमोशनल। जो प्री ब्राइड रहने के लिए शादी होने वाली क्या कहना चाहेंगे? कोई समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता, या जिनकी हो गई वो समझ सकती है, हाँ या जिनकी होने वाली है वो समझ सकती है, कोई नहीं समझ सकता। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, बहन 3-4 घंटे लेट थी, जो माइयों बिल्कुल एंड पे था, लेकिन फिर भी मैं चली गई क्योंकि इनवाइट था। और ये बहुत प्यारी लग रही है मायदा पोज करते हुए, यहाँ पे डेकोर बहुत अच्छी हुई थी, सेटअप इनका घर पे था लेकिन बहुत अच्छा, बहुत क्यूट सेटअप था। और यहाँ पे जल्दी जल्दी बस क्योंकि अनम गाड़ी में वेट कर रही थी, मुझे निकलना था और मैं हार्डली 15-20 मिनट रुकी होंगी। और ये घर की डेकोर भी बहुत अच्छी हुई थी, तो आई थॉट कि मैं आपको दिखाऊं। और मैं अब बड़ी गाड़ी की जाने, लेकिन इसके बाद थी मेरी अगले दिन फ़्लाइट। ये अब आपको व्लॉग नज़र आ रहा है फ़्लाइट का। और ये रहमत श्री से मैंने घर वालों के लिए अपने लिए कुछ सामान लिया था, कुछ निमकों के पैक्स थे, कुछ मिठाइयाँ थी और रबड़ी थी। रहमत श्री जो है एयरपोर्ट पर भी मौजूद है और कराची की मशहूर मिठाई है, मशहूर बेकरी है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लंबी क्यू थी और यहाँ ये वाली एयरलाइन के लोग बहुत सुस्त थे, आते हुए भी इतना मसला हुआ, कोई एक घंटा मुझे लगा लगेज लेने में और अभी जाते हुए भी एक लंबी क्यू थी। और आई डोंट नो क्यों नहीं प्रॉपरली मैनेज हो पा रहा था, बट फाइनली मैं अभी प्लेन में पहुंचने वाली हूं। और मैं यहां पे जनाब बिल्कुल प्लेन में एंटर हो चुकी हूं अपनी सीट ढूंढते हुए। लगेज मैं ऑलरेडी रखवा चुकी थी, हैंड कैरी मेरे पास थे, एक दो बैग्स वो मैंने ऊपर रखवा दिए थे। और ये है मेरी सीट, मैं अपनी सीट देख कर बैठ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने मील भी इंजॉय किया और फ्लाइट एक्सपीरियंस एयर सियाल के साथ हमेशा अच्छा रहता है, और स्पेशली एयर सियाल का खाना मुझे पसंद आता है बनिस्बत बाकी एयरलाइंस के। एयर ब्लू का भी अच्छा है, PIA का भी ओके है, बट एयर सियाल का खाना सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पे जनाब हमने फ़्लाइट पकड़ी और यहाँ पे मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हो रही है कोई, आई गेस यस। खाना आ चुका है, खाना इंजॉय करते हैं, मेन्यू अच्छा था। और मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ था जो बेचारा पढ़ाई कर रहा था पूरी फ्लाइट में, लिटरली एक मिनट के लिए भी उसने सूखा सांस नहीं लिया होगा। और ये हम आ चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो जनाब ये था आज का व्लॉग, अपना ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।